प्रयागराज जिले के जसरा अंतर्गत ग्राम सभा चिल्ला में बने बहुत ही प्राचीन संकट मोचन मंदिर पर भगवा रक्षा छात्र वाहिनी के परिवार द्वारा किया गया दीपोत्सव और लगाए गए पूरे भाव से जय श्री राम के नारे, बांटा गया प्रसाद। जी हां, आपको बता दें कि लगभग 500 वर्षों के बाद कोर्ट के फैसले पर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसकी खुशी चारों ओर फैली हुई है। जगह जगह मंदिरों में दीपोत्सव कर जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। आपको बताते चले, भगवा रक्षा छात्र वाहिनी के सदस्यों द्वारा संरक्षक हरिशंकर जैन, जिला अध्यक्ष कृपा शंकर द्विवेदी के निर्देशानुसार जिला सचिव सुधांशु मिश्रा के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न कराया गया। उपाध्यक्ष प्रतीक त्रिपाठी, प्रशांत त्रिपाठी, रामजी, रत्नेश सिंह, शुभम द्विवेदी, शिवम गुप्ता, सत्यम, प्रमोद शनि मिश्रा, अमित मिश्रा, गौरव, सत्येंद्र, दीपू, मनीष, संजय, अनिल, अनिकेत, ललित, कार्तिक, देवेंद्र पाठक, सूरज यादव, अतुल मिश्रा, शुभम मिश्रा, राजा, अभिषेक शुक्ला, अनु, कुलदीप मिश्रा, प्रशांत, हर्ष व अन्य सदस्य मौके पर मौजूद रहकर कार्यक्रम संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से आशीष द्विवेदी की खास रिपोर्ट। मैं आशीष द्विवेदी इस समय मौजूद हूँ चिल्ला ग्राम सभा के बड़े ही प्राचीन मंदिर संकट मोचन मंदिर हनुमान मंदिर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हुआ है। इसी संदर्भ में भगवा रक्षा छात्र वाहिनी के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। आइए जानते हैं इन लोगों की इस संदर्भ में क्या राय है। आपका नाम? जय श्री राम। जी, आपका नाम? त्रिपाठी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवा रक्षा छात्र वाहिनी। जी, आज हमारे संगठन के द्वारा गांव के प्राचीन मंदिर परिसर में श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के संदर्भ में हम सारे छात्र संगठन, सारे पदाधिकारीगण, हमारे मित्रगण, ग्राम सभा के समस्त निवासी जी सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम रखा गया और ये 500 वर्षों से भगवान श्री रामचंद्र जी के मुकदमा चल रहा था अभी तक, और आज जाके उसका भूमि पूजन हुआ। इस संदर्भ में हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और समस्त अपने पदाधिकारी गणों के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करवा रहे हैं जी, दीप प्रज्वलित कार्यक्रम करवा रहे हैं जी। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुधांशु मिश्रा, जिला सचिव भगवा रक्षा छात्र वाहिनी। सुधांशु जी, आप हमें ये बताएं कि जो आपके संगठन के कार्यकर्ताओं में ये हर्ष है, हर्षोल्लास है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में हम ज़्यादा कोई जैसे कि वरिष्ठ भैया ने हमारे बताया, प्रतीक भैया ने जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आज हमारे मतलब हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है जी। इतने दिनों से इतना विवादित मुद्दा साल हुआ है जी, और आज वहाँ पर भूमि पूजन हुआ है जी। हम लोग अयोध्या नहीं जा पाए तो क्या हुआ, राम जन्मभूमि के उसमें हम लोग यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जी और उत्साह मनाए जी। जय श्री राम। जो मास्क नहीं लगा पीछे सड़ जाए। आपका नाम? जी, मैं प्रशांत त्रिपाठी, जिला मीडिया प्रभारी भगवा रक्षा छात्र वाहिनी जी। प्रशांत जी, आप हमें ये बताएं कि जो ये हर्ष की घड़ी है, आज भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास हुआ है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब ये हिंदुत्व के लिए, ये जो समय है वर्तमान, ये जो समय है हिंदुत्व का, ये बहुत हर्षोल्लास से भरा हुआ है जी। इसको हमें त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए कि आज 500 वर्षों के बाद ये ऐसी घड़ी आई है। हम वो ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने श्री राम लला को टेंट से भव्य मंदिर में जाते हुए देखा है। इस उपलक्ष्य पर मैं अपने भाजपा सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हिंदुत्व के बारे में सोचा, कि ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी जो हिंदुत्व के बारे में, राम लला के बारे में सोचकर उनको एक टेंट से एक भव्य मंदिर में जगह दिया, और इस अवसर पर हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया है। और रामलला, इस कोरोना महामारी के चलते हम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हम अपने संगठन की तरफ से ये वादा करते हैं कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा, इस पहले प्रथम वर्ष के अंदर पूरे संगठन के साथ, पूरे साथ बात के साथ हम अयोध्या जाएंगे और वहां पर एक भव्य आयोजन अपने संगठन के द्वारा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका नाम? आपका नाम? मैं भगवा रक्षा छात्र वाहिनी सदस्य जी अभिषेक शुक्ल जी। हम लोगों के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास की बात है जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही बहुत ही अच्छा कदम हमारे हिंदुओं के लिए, और इस संदर्भ में
भगवान की ऐसी कृपा, हमारे इतने हिंदू इस कार्यक्रम में अपनी जान की कुर्बानी आहुति दे दिए और भगवान राम की ऐसी कृपा, आज ऐसा हर्षोल्लास जो दीपावली के रूप में हम लोग मनाना चाह रहे हैं, और हिंदुओं का बहुत ही सुंदर पर्व आज भगवान राम की नीव पूजन का कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और हिंदुओं का हर्षोल्लास बहुत ही सुंदर। भगवान जय श्री राम। मैं विंदर अच्छा छात्रवाणी का सदस्य सत्येंद्र द्विवेदी जी, और आज जी बहुत खुशी की बात है, मैं चिल्ला ग्राम सभा में एक भव्य मंदिर है जो भगवान जी की है, बहुत प्राचीन मंदिर है जो भगवान जी है, और हमारे अध्यक्ष कृपा शंकर द्विवेदी जी के जिला सचिव सुधांशु मिश्रा, बहुत खुशी हुई ये चीज़ जानकर कि आज ये राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा था इतने दिनों से कोई कुछ कर नहीं पाया, जो बीजेपी की सरकार का बहुत तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहेंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ मैं। एक बार 500 सालों में आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, जो आज ये भाजपा की सरकार कर दिखाई, बहुत ही खुशी की बात है, और हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो हमारे मन में उत्साह चल रहा है, जो हमारे ये भगवान अच्छा छात्रवाहिनी का जो सदस्य हैं, जो इतने हमारे मेंबर हैं इसमें जुड़े हुए हैं, ये आज बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही खुशी का दिन है, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग यहाँ पे आए चिल्ला गांव में और दीप प्रज्वलित किए, बहुत खुशी मिली हमको। मैं इस बात से आभारी हूँ आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने इतना समय दिया, और विराट द्विवेदी जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जो आपने हम लोगों के बीच में आके भगवान श्री राम के और ये हनुमान जी के मंदिर में जो आके जो आप लोगों आपने ये अच्छा कार्य किया है जी, ये हम लोगों तक ये संदेश पहुँचाएंगे सभी देशवासियों तक, मैं आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत जय श्री राम, यही कहना चाहिए। जय श्री राम। आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़, आशीष द्विवेदी के साथ।